WWE की 10 दमदार फाइट जिसे आप आज भी देखकर रोमांचित हो जाएंगे। WWE सुपरस्टार द्वारा खेली गई ऐसी फाइट दिमाग में आ जाती है जो बेहद ही यादगार थी, जिसे आज भी देखकर उतना ही रोमांच भर जाता है। ये सुपरस्टार अपने खेले गए फाइट को जीतने के लिए सब कुछ कर डालते हैं। WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेशेवर कुश्ती उद्योग में जाना माना नाम है। बच्चों से लेकर बड़े तक इसके दीवाने हैं, लेकिन जब भी कभी हम इसके बारे में बात करते हैं तो इनके सुपरस्टार द्वारा खेली गई ऐसी फाइट दिमाग में आ जाती है जो बेहद ही यादगार थी, जिसे आज भी देखकर उतना ही रोमांच भर जाता है। ये सुपरस्टार अपनी खेली गई फाइट को जीतने के लिए सब कुछ कर डालते हैं। मैच जीतने के लिए ये WWE सुपरस्टार मैच में बेईमानी भी करते हैं, जिसे ये खेल का एक हिस्सा बताते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ 10 बेहतरीन मैच के बारे में, जिन्हें देखते ही रोमांच बढ़ जाएगा। जॉन सीना बनाम एज। WWE सुपरस्टार एज ने वैसे तो कई बार ये साबित किया है कि वो एक बेहतरीन फाइटर है, जो कि मैच में अपने विरोधी पर टेबल और चेयर का इस्तेमाल करके मैच को अपने नाम कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को इस्तेमाल करके एज मैच को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देते हैं। साल 2006 में खेले गए मैच में एज ने जॉन सीना को कड़ी टक्कर देते हुए उन पर एक के बाद एक कई वार किए। एज ने मैच जीतने के लिए सीना पर टेबल और चेयर से उन्हें बुरी तरह मारा भी था, लेकिन कामयाब नहीं हो सके और अंतिम में जॉन सीना ने अपना बेहतरीन फिनिशिंग मूव एटीट्यूड एडजस्टमेंट देकर मैच अपने नाम कर लिया। ये एक बेहतरीन मैच था जिसे लोगों द्वारा आज भी पसंद किया जाता है। अंडरटेकर बनाम शॉन माइकल। WWE के ये दोनों ही दिग्गज अपने बेहतरीन फाइट के लिए जाने जाते हैं। दोनों ही एक से बढ़कर एक है। साल 1997 के बैड ब्लड मैच में दोनों ही दिग्गजों ने मैच में एक दूसरे पर एक के बाद एक कई वार किए, जिसमें टेबल और चेयर से लेकर डंडे तक का इस्तेमाल तक हुआ। दोनों ही खिलाड़ी खून से पड़े हुए थे। ये मैच WWE के इतिहास में सबसे खतरनाक ब्रूटल मैचों में से एक था। हेल इन अ सेल का ये एक यादगार मैच था। आखिर में इस मैच को अंडरटेकर ने अपने नाम किया। सर्वाइवर सीरीज एलिमिनेशन चेंबर मैच 2002। जब कई WWE सुपरस्टार एक रिंग में एक साथ हो तो मैच में रोमांच आना लाजिमी है, और साथ ही साथ ये मैच सबसे खतरनाक मैचों में से भी एक हो जाता है। जी हाँ, WWE सुपरस्टार क्रिस जेरिको, RVD, ट्रिपल एच, शॉन माइकल और केन और बुकर टी जब स्टील केज में भिड़े तब इसे आप सबसे खतरनाक मैचों में से एक कहेंगे। ये पहला ऐसा स्टील चैम्बर मैच था जो अब तक सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। आपको बता दूं कि इस मैच में शॉन माइकल 4 साल बाद रिंग में लड़ने उतरे थे, लेकिन WWE चैम्पियनशिप मैच के लिए अपनी दावेदारी बनाने में कामयाब नहीं हो सके। WrestleMania 24, रिक फ्लेयर बनाम शॉन माइकल। WWE का महाकुंभ कहे जाने वाले WrestleMania में वैसे तो हर एक मैच काफ़ी यादगार और रोमांचित कर देने वाला होता है, लेकिन WrestleMania 24 में रिक फ्लेयर और शॉन माइकल के बीच खेला गया ये मैच बेहद रोमांचित कर देने वाला था। इस मैच को जीतने के लिए रेसलिंग की दुनिया के दोनों दिग्गज खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया। बेहद खास इस मैच में दोनों ही खिलाड़ियों का सब कुछ दाव पर लगा था, लेकिन ये मैच सबसे खास था रिक फ्लेयर के लिए, जिनका WWE करियर दाव पर लगा था। जी हाँ, अगर रिक ये मैच हारे तो उन्हें WWE को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ता। रिक ने शॉन माइकल से मैच को जीतने का हर एक प्रयास किया, लेकिन शॉन ने रिक के जबड़े पर ज़ोरदार किक मारकर मैच को अपने नाम कर लिया, और इस तरह से ये बेहद भावुक मैच शॉन माइकल ने अपने नाम कर लिया। WWE फैंस के लिए ये एक बेहद भावुक और यादगार मैच था, जिसे वो आज भी देखना पसंद करते हैं। कर्ट एंगल और ब्रॉक लेसनर। आपको बता दूं कि कर्ट एंगल अपने रेसलिंग कौशल के कारण ही ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल भी जीता है।
कर्ट ने लेसनर को कड़ी चुनौती देते हुए मैच को अपने नाम करने के लिए अपने फिनिशिंग मूव एंगल लॉक का इस्तेमाल किया, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। लेसनर ने एंगल लॉक को तोड़ते हुए कर्ट को अपने बेहतरीन F5 मूव से परास्त करते हुए मैच अपने नाम कर लिया। समरस्लैम 1991, ब्रेट हार्ट बना मिस्टर परफेक्ट। WWE की रेसलिंग की दुनिया के दिग्गज रेसलर ब्रेट हार्ट को लोग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच के लिए जानते हैं। सभी लोग ये जानते हैं कि ब्रेट WWE के रिंग में एक शानदार खिलाड़ी थे, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये बात नहीं पता होगा कि ब्रेट हार्ट WWE की दुनिया में सबसे ज़्यादा क्यों पसंद किए जाते हैं, वो कैसे एक सुपरस्टार बने। ये बात 1991 के समर स्लैम की है, जब WWE सुपरस्टार मिस्टर परफेक्ट और ब्रेट हार्ट के बीच मैच हुआ। ये मैच दोनों ही के लिए बेहद अहम था। दोनों ही सुपरस्टार एक दूसरे को बेहतर साबित करने में लगे थे और एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन अंतिम में ब्रेट हार्ट ने मैच अपने नाम कर लिया और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने। उस मैच के बाद वो एक सुपरस्टार बनकर उभरे। ये मैच उनके करियर का सबसे अहम मैच था। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बैकलैश 2004। WWE के रेसलिंग की दुनिया में सबसे खतरनाक हार्डकोर लेजेंड मिक फोली को माना जाता है। मिक फोली को हार्डकोर मैचों का स्पेशलिस्ट माना जाता है, लेकिन मिक फोली के WWE के करियर में 2004 का बैकलैश मैच सबसे खास था। WWE के इतिहास में ये मैच सबसे ज़्यादा देखा व पसंद किया जाता है। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बेल्ट के लिए रैंडी ऑर्टन और मिक फोली के बीच खेला गया ये मैच बेहद शानदार मैचों में से एक था। रॉयल रंबल मैच 1991। WWE रेसलिंग के दुनिया में रॉयल रंबल को सबसे बड़ा माना जाता है। ये हर साल खेला जाता है, लेकिन अब तक खेले गए रॉयल रंबल मैच के मैचों में इस सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि इस मैच में WWE के बड़े बड़े सुपरस्टार एक रिंग में थे। अंडरटेकर, हल्क होगन, रिक फ्लेयर एंड रैंडी सेवेज के कारण रॉयल रंबल को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये मैच WWE टाइटल जीतने के लिए था। सभी के लिए WWE टाइटल जीतना मुख्य था, लेकिन रिक फ्लेयर शुरू से अंत तक मैच में टिके रहे। उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को एक के बाद एक करके रिंग से बाहर कर दिया और WWE टाइटल अपने नाम किया। रिक ने पहली बार WWE टाइटल जीता था। नो मर्सी 1999। WWE में हमने कई बार लैडर मैच देखे हैं, जो कि ज़्यादातर दो खिलाड़ियों के बीच होता है। ऐसे काफ़ी कम मैच है जो टैग टीम के बीच खेले गए हो। जी हाँ, WWE की दुनिया में टैग टीम लैडर मैचों में से एक मैच था, एज और क्रिश्चियन और हार्डी भाइयों के साथ। इस टैग टीम लैडर मैच को अब तक सबसे बेहतरीन मैचों में से एक कहा जाता है। इन दोनों ही टीमों ने WWE फैंस का जमकर मनोरंजन किया, लेकिन अंत में ये मैच हार्डी भाइयों ने अपने नाम किया था। शॉन माइकल बनाम जॉन सीना 2007। WWE में रॉ एक बेहद चर्चित प्रोग्राम है, लेकिन जब इसमें जॉन सीना और शॉन माइकल का मैच हो तो ये और भी पसंदीदा बन जाता है। दोनों ही दिग्गज रेसलर के बीच जब जब मैच हुए हैं तो ये WWE फैंस को और भी ज़्यादा पसंद आया है। ऐसा ही एक मैच था जिसमें इन दोनों के बीच मैच हुआ। दोनों ही दिग्गजों ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर भी दी, लेकिन अंत में शॉन माइकल ने जोरदार किक मारकर मैच को अपने नाम कर लिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करने के साथ ऐसे ही वीडियोज लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।